गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चौधरी कमला। इन योर 7th स्टैंडर्ड मैथ सब्जेक्ट वी ऑलरेडी स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। इन दैट इन अवर प्रीवियस वीडियोज वी ऑलरेडी फिनिश्ड अवर पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। एंड इन दिस 4 पार्ट्स वी ऑलरेडी फिनिश्ड अवर एक्सरसाइज 1.4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 अप टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 4.4 from question number 3 in our part 5. So, question number 3, it's A. अभी A में आपको क्या दिया है इधर? Irfan says that he has 7 marbles. Irfan ने क्या बोला? कि उसके पास 7 marble more than 5 times deep marble permit has. Irfan क्या बोल रहा है? कि उसके पास 7 marble ज्यादा है. किससे? तो परमित के पास जो मार्बल है उसको 5 टाइम्स करो, जो परमित के पास मार्बल है उसको 5 टाइम करो, और उससे भी 7 मार्बल उसके पास ज़्यादा है। तो इधर हमें एज्यूम क्या करना पड़ेगा कि परमित के पास कितनी मार्बल होगी, वो अगर हम एज्यूम करेंगे तो हमें इधर इरफान की मार्बल मिल जाएगी। देन टोटल इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। इरफान के पास एक्चुअली कितनी मार्बल है? 37 मार्बल है। देन हाउ मैनी मार्बल्स डज परमित हैव? हमें फाइंड आउट क्या करना है कि परमित के पास कितनी मार्बल होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम हियर कि एज्यूम परमित हैज एक्स मार्बल्स। सो इरफान हैज, इरफान के पास कितनी मार्बल होगी? तो जो परमित के पास मार्बल है उसको आपको क्या करना है, 5 टाइम्स मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और उससे भी कितनी ज़्यादा है, प्लस 7। बट इन योर क्वेश्चन यू हैव टू गिव ऑन कि इरफान हैज हाउ मेनी मार्बल्स, 37 मार्बल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी कैन से हियर कि जो इरफान के पास मार्बल है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू आपको कितनी दी है, 37 मार्बल, क्योंकि ये भी इरफान के पास की मार्बल है और ये भी इरफान के पास की मार्बल है। सो व्हाट यू कैन से हियर कि दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। नाउ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन सिंपली ओनली। सो 37 प्लस 7 है तो ऑपोजिट साइड आएगा तो माइनस 7। सो 5x इज इक्वल टू 30। सो x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5, इधर मल्टीप्लीकेशन, ऑपोजिट साइड आएगा तो डिविजन। नाउ 5 का टेबल तो 5 6 30। सो x इज इक्वल टू आपको इधर क्या मिला, 6 मिला, और ये जो 6 मिला वो क्या है इधर कि नंबर ऑफ मार्बल परमित हैज, परमित के पास कितनी मार्बल होगी, तो आपको इधर क्या मिला, 6 मार्बल परमित के पास होगी, क्योंकि आपने एज्यूम क्या किया था कि परमित के पास x मार्बल है। सो परमित हैज 6 मार्बल्स। आपको यही ओनली फाइंड आउट करना था कि नंबर ऑफ मार्बल परमित के पास कितनी होगी, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ सेम सेकेंड नंबर क्वेश्चन 3 का बी, सॉरी सेकेंड नंबर क्वेश्चन 3 का सेकेंड नंबर, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा की एज क्या है, 49 ईयर्स के है वो। ही हैज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी की जो एज है उससे 3 टाइम अगर आप करो और उससे भी 4 ईयर्स बड़े हैं वो, एक्चुअली आपको इस इक्वेशन बनाने के लिए ये आपको स्टेटमेंट दिया है, देन व्हाट इज द लक्ष्मीज एज। तो हम इधर एज्यूम क्या करेंगे कि लक्ष्मी की एज अगर हम एज्यूम करते हैं उसको 3 टाइम करके उसमें 4 प्लस करो तो आपको किसकी एज मिलेगी, लक्ष्मी के फादर की, और इज इक्वल टू क्या लिखना होगा आपको, 49, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दे दिया है। सो नाउ यू कैन से हियर कि एज्यूम द एज ऑफ लक्ष्मी इज एक्स ईयर्स। लक्ष्मी की एज कितनी है, एक्स ईयर है, वो हमने एज्यूम कर दिया। सो लक्ष्मीज फादर्स एज इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो जो लक्ष्मी की एज है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स मीन्स 3x, और उससे भी कितने बड़े हैं, 4 ईयर्स ओल्डर मीन्स प्लस 4।
ऐसे आपको करना पड़ेगा कि लक्ष्मी के फादर की एज क्या होगी, तो उस जो लक्ष्मी की एज है उसको आप 3 टाइम करो और उससे भी 4 इयर्स बड़े है तो 3x+4। बट नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट यू कैन से हियर, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि लक्ष्मी के पापा की एज है वो आपको कितनी दी है, 49 इयर्स। तो लक्ष्मी के पापा की एज जो हमने इक्वेशन बनाया 3x+4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 49। नाउ सिंपली वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, 49+4 है, ऑपोजिट साइड -4, सो 3x इज इक्वल टू 49-4 तो क्या मिलेगा, 45। नाउ x इज इक्वल टू 45, इधर डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू 15 × 3 = 45, तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 15। बट ये 15 क्या है, तो x की वैल्यू, x क्या था, हमने लक्ष्मी की एज फाइंड आउट एज्यूम की थी, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट योर एज ऑफ लक्ष्मी। सो इन लास्ट वी हैव टू राइट डाउन द एज ऑफ लक्ष्मी इज कितनी है, 15 इयर्स। लक्ष्मी की एज कितनी होगी, 15 इयर्स, जो हमें इधर फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर। नाउ इन योर थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 इज थर्ड नंबर, इन दैट यू हैव टू गिवन हियर पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। जो सुंदरग्राम के पीपल है उन्होंने क्या किए है, ट्रीज को प्लांट किए है गार्डन में। सम ऑफ ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज, उसमें से सम ऑफ ट्री क्या है, फ्रूट ट्री है, एंड द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जो अभी नॉन फ्रूट ट्री है उसके आपको नंबर ऑफ दे दिए हैं, वेयर 2 मोर देन द 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो जो फ्रूट ट्रीज है उसको अगर आप 3 टाइम करो, उसमें भी +2 करो, तो वो आपको क्या मिलेंगे, नॉन फ्रूट ट्रीज मिलेंगे। देन व्हाट वॉज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड, इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वॉज 77। नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री आपको कितने दे दिए है, 77। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, हियर वी हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉन फ्रूट सॉरी देन व्हाट वॉज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम हियर, एज्यूम हम क्या करेंगे इधर, कि एज्यूम द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज जो फाइंड आउट करना है वही हम एज्यूम करेंगे। आर एक्स नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज कितने सॉरी नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने मिलेंगे आपको, एक्स मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि नॉन फ्रूट ट्रीज आपको दे दिए है 77। सो नेक्स्ट नाउ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री कितने मिलेंगे आपको, तो जो फ्रूट ट्री है उसको 3 टाइम करके उसमें 2 मोर, सो नॉन सॉरी फ्रूट ट्री कितने हैं, एक्स, तो उसको 3 टाइम्स करना है, तो सॉरी 3x+ कितने ज़्यादा हैं, 2 मोर है, तो आप क्या करोगे, +2 करो, सो इतने आपको क्या मिले, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट यू कैन से हियर, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री है वो आपको कितने दिए हैं, 77, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। सो 3x इज इक्वल टू 77, इधर +2 है तो ऑपोजिट साइड -2 हो जाएगा, सो 77-2 तो कितने मिलेंगे, 75, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 75/3, तो x इज इक्वल टू 25 × 3 = 75, x इज इक्वल टू क्या मिला आपको,
25. So in last you can say the number of fruit trees are 25, जो आपको find out करना था. Now next, here your question number 3 is finished. Now next you have to given your question number 4. Solve the following riddle. Here you have to given one of the riddle. Question number 4. So, आपको अगर इधर आप देखोगे question में आपको एक poem के जैसा दिया है, riddle दिया है और उसको हमें क्या करना है? Solve करना है. So, ये riddle में आपको one by one of statement जो आपको दिए हैं वो हम read करते जाएंगे और उसको हमें सॉल्व करते जाना है. जैसे इक्वेशन बनता है वैसे हमें बनाते जाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिवन आई एम ए नंबर. मैं एक नंबर हूँ. टेल माय आइडेंटिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अज्यूम कि अज्यूम दैट नंबर इज एक्स. वो नंबर कौन सा है? एक्स है. वो हमने अज्यूम कर लिया. आइडेंटिटी उसकी दे दी. फर्स्ट दो स्टेटमेंट फिनिश हो गए. टेक मी 7 टाइम्स ओवर. उसको अभी कितना करना है? 7 टाइम्स ओवर मीन्स उसको क्या करेंगे? 7 टाइम्स ज़्यादा करेंगे. मीन्स 7 टाइम्स करेंगे. मीन्स मल्टीप्लीकेशन 7x होगा. एंड एड 50. और उसमें कितने ऐड करने हैं? 50 ऐड करने हैं. तो हमने प्लस 50 लगा दिए. नाउ टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी. अभी तक ट्रिपल सेंचुरी तक जाने के लिए मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 100. ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अभी जा रहे हैं. ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था कि आई एम ए नंबर एंड टेल माई आइडेंटिटी. तो हमने वहाँ पे क्या किया? एक्स उसको दे दिया उसकी आइडेंटिटी. देन आफ्टर थर्ड स्टेटमेंट में आपको दिया है टेक मी 7 टाइम्स ओवर मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड एड 50. तो 50 ऐड कर लिया. बट इसके बाद फिफ्थ नंबर के स्टेप में दिया है टू रीच ट्रिपल सेंचुरी. ट्रिपल सेंचुरी करने के लिए अभी तक कितने चाहिए हमें? तो यू स्टिल नीड 40. तो प्लस 40 अभी तक हमें चाहिए. तो हमने क्या किया? प्लस 40 लास्ट स्टेटमेंट का यूज करके. नाउ 7x प्लस 50 प्लस 40 क्या हो जाएगा? 90 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 100 देन 300. 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 90. सो 7x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 210. सो x इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 7. सो x इज इक्वल टू 7 3 21 एंड 10 एज इज इट एज इट इज. सो x इज इक्वल टू आपको इधर क्या मिला? 30. एंड इन लास्ट यू हैव टू राइट डाउन हियर सो दैट नंबर इज कौन सा मिला आपको? 30. हियर योर चैप्टर नंबर 4 इज फिनिश्ड. नाउ नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 5 वी हैव टू स्टार्ट इन अवर न्यू वीडियो. थैंक यू.